ड्रामे की स्टार्टिंग होती है ली डायरेक्टर लिंग ज़ेशिंग से, जिसका बहुत बुरी तरीके से कार एक्सीडेंट होता है। बच तो जाता है बट अनफॉर्चुनेटली वो लंगड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि जी चौहान ने उसका एक्सीडेंट करवाया है। वो सैड होकर कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद कहानी 6 साल आगे चली जाती है, जहाँ ड्रामे की फीमेल लीड शिया म्याओ म्याओ को दुल्हन की ड्रेस में दिखाया जाता है, जिसे उसकी बहन शिया जिनशी जोरदार थप्पड़ मारती है। वो उसे ज़ेशिंग के साथ शादी करने के लिए फोर्स करती है, जिसके साथ उसकी होने वाली है। वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो तो जी चौहान से प्यार करती है, इसलिए खुद की जगह म्याओ म्याओ को उसके पास भेजना चाहती है। जिनशी कहती है कि मैं तुम्हारी शादी इतनी अच्छी जगह करवा रही हूँ, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम मेरी शादी उससे क्यों करवा रही हो, तुम तो उससे बहुत प्यार करती हो ना। मॉम भी उसका साथ नहीं देती क्योंकि वो तो स्टेप मदर है ना। जिनशी कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, लिंग फैमिली का दूसरा बेटा जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो लंगड़ा है, और मैंने सुना है कि वो रूड भी है, तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। म्याओ म्याओ रोते हुए डैड के पास जाती है और उनके नीज पकड़ कर कहती है कि डैड क्या आप सच में चाहते हो कि मैं लिंग फैमिली के दूसरे बेटे से शादी करूं? डैड कहता है कि म्याओ म्याओ शिया फैमिली ट्रबल में है, एक तुम ही हो जो उससे शादी करके हमारी कंपनी को बचा सकती हो। म्याओ म्याओ रोने लगती है तो डैड कहता है कि रोना बंद करो, ठीक है तुम उससे शादी मत करो, शिया फैमिली को दिवालिया होने दो, मैं लिंग फैमिली को मना कर देता हूँ। डैड जाने लगते हैं तो म्याओ म्याओ उन्हें रोकती है। डैड की धमकी काम कर जाती है, म्याओ म्याओ शादी के लिए मान जाती है। डैड खुश हो जाता है और कहता है कि लिंग फैमिली को ये मत बताना कि तुम कौन हो, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिनशी नहीं हो तो हमारी शिया फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद जिनशी उसे घसीटते हुए कार में बिठा कर उसकी विदाई कर देती है। म्याओ म्याओ को पास्ट याद आता है, जहाँ ये पता चलता है कि म्याओ म्याओ शिया की रियल बेटी नहीं है। वो खुद से कहती है कि डैड ये आखिरी काम है जो मैं आपके लिए कर रही हूँ। म्याओ म्याओ लिंग फैमिली आती है। अंकल चिन बड़ी इज्जत से म्याओ म्याओ को रूम में ले आता है, पर वहाँ ज़ेशिंग नहीं होता। वो चलते चलते वॉशरूम चली जाती है, जहाँ ज़ेशिंग पानी में डूबा हुआ होता है और निकल कर म्याओ म्याओ को खींच कर अपने क्लोज कर लेता है। फिर क्या, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। म्याओ म्याओ सोचती है तो ये है ज़ेशिंग। ज़ेशिंग सोचता है कि जी चौहान मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी प्यारी GFB। ये सोचते ही वो गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए कहता है। शॉवर लेने के बाद वो म्याओ म्याओ से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि पूरी शिया फैमिली तुम्हारे साथ दफन हो जाए? अगर नहीं तो मुझे खुश रखो, लेकिन मुझे खुश करना इतना भी आसान नहीं है। ये कहते ही वो अपनी बाहें खोल लेता है। म्याओ म्याओ उसके पास जाते हुए सोचती है कि मुझे डैड के लिए ये सब बर्दाश्त करना होगा और इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो ज़ेशिंग उसका गला दबाकर कहता है कि कितनी बेसब्र हो तुम तो मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी ना, क्या तुम सारी जिंदगी बेवा रहने के लिए तैयार हो? म्याओ म्याओ कहती है कि मैं बस तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। ज़ेशिंग उसे छोड़कर कहता है कि जिनशी जी चौहान तुमसे बहुत प्यार करता है ना, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करना चाहता था? आज से तुम वहाँ सोओगी, समझी? बेचारी कोने में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए सोचती है कि मैं इसे सच नहीं बता सकती कि मैं जिनशी नहीं हूँ। दूसरी तरफ जी चौहान ड्रिंक पीकर फुल नशे में होता है और जिनशी को याद करके कहता है कि वो लंगड़ा मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ कैसे बना सकता है। दादाजी तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे उस दिन इसे मार देना चाहिए था। ज़ेशिंग तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिनशी वहीं खड़ी उसे छुपके से देख रही होती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती क्योंकि अगर वो उसके सामने गई तो उसका सच सामने आ जाएगा और उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट डे जी चौहान ज़ेशिंग से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने के लिए दादाजी को इस्तेमाल किया, हमारे बीच बहुत कुछ है जो निपटना बाकी है। ज़ेशिंग कहता है कि क्या तुम्हें अफसोस है कि 6 साल पहले तुम मुझे मारने में नाकाम रहे? जी चौहान कहता है कि विदाउट एविडेंस कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, तो क्या हुआ अगर तुमने जिनशी से शादी कर ली? वो कई सालों से मेरे साथ थी, उसका सब कुछ मेरा है। ज़ेशिंग कहता है कि मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुमने उसे इतना कुछ सिखाया, अब देखो ना वो मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती है। ये सुनकर जी चौहान को गुस्सा आता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। ज़ेशिंग स्टडी रूम में आता है, म्याओ म्याओ उसके पास जाने लगती है तो ज़ेशिंग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जिससे शादी की उसके पास इतने ज्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस हैं।
म्याओ म्याओ कुछ कहने लगती है तो जेशिंग गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है। म्याओ म्याओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आधी रात तक वो दर बदर फिर रही होती है। वहीं कुछ लोग किसी मास्क मैन का पीछा कर रहे होते हैं, तभी वो म्याओ म्याओ को अपनी तरफ खींच लेता है और ये मास्क मैन और कोई नहीं जेशिंग है। मतलब ये कि ये लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है। आखिर क्यों? गुंडों के जाने के बाद जेशिंग जा रहा होता है, तभी म्याओ म्याओ देखती है कि कोई आ रहा है, तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से दोनों क्लोज होने लगते हैं। तभी म्याओ म्याओ अपना हाथ लिप्स पर रख लेती है, जिसके बाद जेशिंग कहता है कि सॉरी अगर तुम हर्ट हुई, तुम मेरी कंपनी जाकर कंपनसेशन ले सकती हो। म्याओ म्याओ उसे गौर से देखने लगती है और सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जेशिंग है, लेकिन ये तो चल सकता है। नेक्स्ट सीन में जेशिंग अपना मास्क निकाल कर अंकल चिन को कॉल करके म्याओ म्याओ को घर ले जाने के लिए कहता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसे फाइल देकर कहता है कि बॉस भाभी जी चौहान के साथ बार में है। जेशिंग को यकीन नहीं आता क्योंकि कुछ देर पहले वो तो उसके साथ थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद जेशिंग को सच पता चल जाता है कि उसने जिससे शादी की वो जी चौहान की गर्लफ्रेंड नहीं और वो उसकी फेक वाइफ है। जेशिंग असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि मैंने जिससे शादी की वो कौन है। ये कहते ही वो म्याओ म्याओ के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस तुम मुस्कुरा रहे हो। जेशिंग उसे जाने के लिए कहता है। अंकल चिन म्याओ म्याओ को घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट जेशिंग को बताता है कि बॉस मुझे पता चला है कि आपके साथ जिसकी शादी हुई है वो शिया फैमिली की अडॉप्टेड बेटी शिया म्याओ म्याओ है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी है, प्लीज चेक कर लेना। जेशिंग म्याओ म्याओ की पूरी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। तभी म्याओ म्याओ आती है और देखती है कि जेशिंग मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर जेशिंग फिर से सरियल मूड में आ जाता है और कहता है कि आज रात तुम सोफे पर सोगी और काफी देर हो गई है, जल्दी सो जाना। ये सुनकर म्याओ म्याओ सोचती है कि ये अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया। आधी रात को जेशिंग को बुरे सपने आने लगते हैं, जिसे देखकर वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है। तभी म्याओ म्याओ उठकर उसके पास जाती है और चेक करती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है, जिसके बाद वो उसके पिल्लो के नीचे देसी मेडिसिन बैग रख कर जाने लगती है। तो जेशिंग उसका हाथ पकड़ कर रोकता है। म्याओ म्याओ हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर जेशिंग उसे नहीं छोड़ता, तो उसके पास ही बैठ जाती है और उसे देखते देखते वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेशिंग उठता है और देखता है कि म्याओ म्याओ उसके पास लेटी हुई है, तो वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा कर कहता है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ सोने को। लेकिन उसे बुरा भी लग रहा होता है और कहता है कि सॉरी मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है। म्याओ म्याओ उसके पास जाकर कहती है कि अपना हाथ दो और फिर उसके पल्स चेक करने लगती है। जेशिंग उसे प्यार से देखने लगता है। पल्स चेक करने के बाद म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हें इंसोमनिया है और तुम्हें ठीक करने में मैं हेल्प करूंगी। ये वो मेडिसिन बैग है जो कल रात मैंने तुम्हारे पास रखा था, जिससे तुम आराम से सो पाए, तो मैं ऐसे कुछ मेडिसिन और लेकर आती हूँ। वो जाने लगती है तो जेशिंग उसे रोककर कहता है कि आज दादाजी के बर्थडे पर ओल्ड हाउस चलते हैं, जिसके बाद दोनों रेडी होकर दादाजी के पास जाते हैं। दोनों को साथ देकर दादाजी बड़े खुश होते हैं और फिर म्याओ म्याओ को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वहां जाकर वो म्याओ म्याओ से कहते हैं कि ये लिंक कंपनी के 5% शेयर हैं जो हमारी बहू के लिए थे, अब ये तुम्हारे हैं, इस पर साइन करो। ये सुनकर म्याओ म्याओ को बुरा लगता है कि वो दादाजी से झूठ बोल रही है, तो इसलिए वो दादाजी को सच बताने लगती है कि दादाजी सॉरी मैंने आपसे झूठ कहा, मैं शिया जिनशी नहीं शिया फैमिली की अडॉप्टेड बेटी म्याओ म्याओ हूँ। सच जानकर ग्रैंडपा गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि शादी एक मजाक है। जेशिंग आता है और ग्रैंडपा से कहते हैं कि प्लीज नाराज मत हो। तभी जी चौहान और म्याओ म्याओ के मॉम डैड आते हैं और मिस्टर लिंग को बर्थडे विश करते हैं, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये किसने किया, तुमने हमें धोखा दिया, ये फेक वाइफ है। मॉम म्याओ म्याओ पर सारा ब्लेम लगा रही होती है और कहती है कि सब इसका किया धरा है, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने हमें ये सलाह दिया, जिनशी की जगह लिंक फैमिली में शादी कर ली। म्याओ म्याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो डैड की तरफ देखती है तो डैड भी नजरें चुराने लगते हैं। म्याओ म्याओ जेशिंग से कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। जेशिंग तो पहले से ही सब जानता है और उसे म्याओ म्याओ पर ट्रस्ट भी है। मॉम जेशिंग से कहती है कि दामाद जी हमने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब इसने किया है। जेशिंग कहता है कि कौन दामाद जी, मैं कोई आपका दामाद नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि हर कोई आपके जैसा ही भेदभाव करने वाला है,
ये कहते ही वो ग्रैंडपा को वीडियो दिखाता है जिसमें जी चौहान और जिनशी साथ हैं और अपना पूरा प्लान बता रहे होते हैं। वीडियो देखने के बाद ग्रैंडपा जी चौहान से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जी चौहान कहता है कि दादाजी अब क्या फायदा, म्याओं म्याओं तो इस घर की बहू बन चुकी है ना, और वैसे भी बचपन से आप जी सिंह के ही गुन गा रहे हो। उसकी बातें सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। सब परेशान होने लगते हैं। म्याओं म्याओं मेडिकल स्टूडेंट है और उसे एक्यूपंचर थेरेपी भी आती है। वो फौरन से अपने नीडल निकाल कर ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट करने लगती है तो मॉम उसे रोकती है और एम्बुलेंस को कॉल करने का कहती है। म्याओं म्याओं जीशिंग की तरफ देखती है तो वो उसका साथ देता है और ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। तभी चौहान कहता है कि जीशिंग तुमने ग्रैंडपा को इस मामले लड़की के हवाले कर दिया। मॉम म्याओं म्याओं से कहती है कि अगर मिस्टर लिंग को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, शिया फैमिली नहीं। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम इसमें अच्छी हो, लेकिन तुम अभी भी स्टूडेंट हो, इसलिए बहादुर बनने की कोशिश मत करो और मुसीबत खड़ी मत करो। तभी जी सिंह गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ, यहाँ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। फिर म्याओं म्याओं से कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। म्याओं म्याओं ग्रैंडपा को फर्स्ट एड करने लगती है। ग्रैंडपा को हॉस्पिटल भेजने के बाद डॉक्टर पूछता है कि ये फर्स्ट एड किसने किया। मॉम और चौहान खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर उसके खिलाफ होगा, पर जब म्याओं म्याओं उन्हें बताती है कि ये मैंने किया तो डॉक्टर कहता है कि तुमने सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल किया, अगर तुम ये ना करती तो शायद मिस्टर लिंक की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर मॉम और चौहान शॉक्ड होते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, पर जी सिंह खुश होता है, उसे तो पहले से ही म्याओं म्याओं पर ट्रस्ट था। नेक्स्ट सीन में जी सिंह और म्याओं म्याओं हॉस्पिटल जाते हैं तो ग्रैंडपा म्याओं म्याओं को अपनी नजरों से दूर होने के लिए कहता है। म्याओं म्याओं चुपचाप जाने लगती है। जी सिंह ग्रैंडपा से कहता है कि प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लें। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ही उसे अपनाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, और फिर शांत होने के बाद कहते हैं कि चलो किसी और टॉपिक पर बात करते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत जल्द ही हमें छोड़कर चला गया, अब लिंक का फ्यूचर तुम्हारे और चौहान के हाथ में है, जो भी मू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करेगा वही लिंक का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और मू ग्रुप का प्रेसिडेंट मोशिन मिस्टीरियस लगता है, हर वक्त मास्क पहना रहता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन सीओ ल्यू त्योन है जिससे तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जीशिंग कहता है कि दादाजी आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, आप बस अपना ख्याल रखो। म्याओं म्याओं बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है और मू ग्रुप का बिजनेस कार्ड देखती है जो उसे जीशिंग ने दिया था जब उसने मास्क पहना हुआ था। जीशिंग म्याओं म्याओं को उसकी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आता है, वो चाहता है कि म्याओं म्याओं अपनी स्टडी कंटिन्यू करे। म्याओं म्याओं से थैंक्स कहकर यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। म्याओं म्याओं लाइब्रेरी में बैठी होती है तभी वहाँ यू हांग आता है जो म्याओं म्याओं से प्यार करता है। वो म्याओं म्याओं को देखकर उसके पास जाकर कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी। म्याओं म्याओं से खुद से दूर करके कहती है कि अब हम दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है। यू हांग कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तभी म्याओं म्याओं से बताती है कि मेरी शादी हो गई है। ये सुनकर यू हांग को सदमा लग जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। म्याओं म्याओं कहती है कि मैंने लिंग फैमिली के दूसरे बेटे से शादी की है। तो यू हांग कहता है कि क्या तुमने मेरे कजन से शादी की। म्याओं म्याओं कहती है कि जीशिंग तुम्हारा कजन है। यू हांग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। म्याओं म्याओं कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे वो पसंद है तुम नहीं। तभी एक लड़की आती है और यू हांग के क्लोज होकर म्याओं म्याओं को सुनाने लगती है तो म्याओं म्याओं वहाँ से चली जाती है। यू हांग भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी वहाँ जीशिंग आता है तो यू हांग कहता है कि तुम मेरे कजन हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं म्याओं म्याओं तुम्हें दे दूंगा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जी सिंह उसे कोई जवाब नहीं देता, वो म्याओं म्याओं को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जी सिंह म्याओं म्याओं के पास आता है और कहता है कि अगर तुम लिंक के मेडिकल प्रोजेक्ट टीम में ज्वाइन होना चाहती हो तो फिक्र मत करो, मैं करवा दूंगा। म्याओं म्याओं कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं अपने बलबूते पर मेडिकल टीम ज्वाइन करूंगी। तभी से यू हांग का कॉल आता है प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। म्याओं म्याओं से बात कर रही होती है तो जी सिंह जेलस हो रहा होता है और उसका प्रोजेक्ट देखकर कहता है कि ये तो फॉरेन लैंग्वेज है, कई सालों तक अब्रॉड में रहने के बाद मैं यू हांग से ज्यादा बेहतर हो गया हूँ। म्याओं म्याओं उससे डॉक्यूमेंट लेकर सोने का कहती है। जीशिंग मुंह बनाकर बुक रीड करने लगता है और वहीं बैठे बैठे सो जाता है। म्याओं म्याओं उसे देखने लगती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जीशिंग को जी चौहान का प्रोजेक्ट फाइल देता है जो उसने मू ग्रुप को सबमिट करवाया था।
जेशिंग फाइल देखने लगता है और कहता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, और फिर मुस्कुराकर असिस्टेंट से कहता है कि प्रोजेक्ट जी चौहान को दे दो। असिस्टेंट शॉक्ड होकर कहता है कि क्यों। जेशिंग कहता है कि तुम बस देखते जाओ। जिसके बाद मीटिंग होती है और वहाँ जी चौहान को बताया जाता है कि प्रोजेक्ट उसे दिया गया है। वो बड़ा खुश होता है, पर उसे क्या पता कि प्रोजेक्ट देने वाला कौन है। जी शिंग म्याओ म्याओ से कहता है कि कल मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलना। म्याओ म्याओ मान जाती है। जी शिंग प्यार से उसका हाथ पकड़ता है। जिसके बाद ग्रैंडपा जी शिंग और जी चौहान को बुलाते हैं और फिर जी चौहान की क्लास लेने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा को पता चल चुका है कि जी चौहान ने मू ग्रुप से कॉपरेशन करने के लिए जी शिंग का प्लान चुराया, इसलिए वो इस कॉम्पिटिशन को इनवैलिड कर देते हैं। जी चौहान बड़े गुस्से में होता है और दादाजी को कोसते हुए कहता है कि मू ग्रुप का प्रोजेक्ट मैंने जीता, पर वो बुड्ढा जी शिंग के गुण गा रहा है। गुस्सा करने के बाद वो किसी को कॉल करके कहता है कि कल जी शिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, वहाँ से वो जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। काम बन जाता है। जी शिंग और म्याओ म्याओ जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं, तभी चौहान के लोग उसे मारने लगते हैं, पर तभी वहाँ लुहान आता है और म्याओ म्याओ से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जी शिंग को कार में बिठाओ। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकलते हैं। लुहान कह रहा है कि शुक्र करो मैं वक्त पर आ गया, वरना तुम इस तरह भविष्य को प्रोटेक्ट करते। जीशिंग कह रहा है कि मैं जानता था तुम जरूर आओगे। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि वो कार के फ्रंट सीट में बैठा हुआ है, जहाँ बैठने से उसे डर लगता है, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो फ्रंट सीट पर ही बैठा हुआ था। वो म्याओ म्याओ का हाथ पकड़कर बेहोश हो जाता है। म्याओ म्याओ परेशान हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। जी शिंग वहाँ भी डरने लगता है और अपने मॉम डैड को बुला रहा होता है, तो म्याओ म्याओ उसके पास जाकर कहती है कि डरो नहीं, मैं यहीं पर हूँ। कुछ दिन बाद बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद दोनों कुछ देर साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जी शिंग उसे वेजिटेबल गार्डन ले आता है, जो उसने उसके नाम कर दिया है। म्याओ म्याओ को ये पसंद आता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जी चौहान को पीट रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जी शिंग को मारने के लिए लोग जी चौहान ने भेजे थे। तो वो उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे निकलोगे। जी चौहान ये सब मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे आज भी याद है जो आपने हमें सिखाया। मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ, मैं बस उसे जिंशी की वजह से लड़ा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ा और अंधा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल पाएगा। अब से तुम कंपनी के इंचार्ज नहीं रहोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर जी चौहान को गुस्सा आता है। वो ग्रैंडपा की लाठी पकड़कर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जी चौहान को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट वो बहुत खुश होता है कि उसने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया। फिर क्या, वो ग्रैंडपा के पास जाकर डॉक्यूमेंट्स में उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। जी शिंग को दादाजी के बारे में पता चलता है, तो वो म्याओ म्याओ के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जी शिंग को देखकर जी चौहान रोने का ड्रामा स्टार्ट करता है कि दादाजी आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, आपके बगैर लिंग का क्या होगा। जी शिंग कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि मिस्टर लिंग खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कब होश आएगा ये कोई नहीं बता सकता। जिसके बाद जी चौहान जी शिंग को विल के बारे में बताते हुए कहता है कि ये दादाजी की विल है, अगर उन्हें कुछ होता है तो सब उनकी विल के हिसाब से ही होगा। जी शिंग कहता है ओके ठीक है, और मैं आज तक तुम्हें दादाजी की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, अगर कल को तुम्हें कुछ होता है तो मुझ पर इल्जाम मत लगाना। जी चौहान किसी से कॉल पे बात करा होता है। वो उसे बताता है कि उसने जो जमीन खरीदी है वहाँ काम नहीं हो सकता, क्योंकि उस जगह ग्रेवयार्ड है। जी चौहान कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके वहाँ काम स्टार्ट करो। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ परेशान होकर जी शिंग के पास आती है, तो जी शिंग पूछता है कि क्या हुआ। म्याओ म्याओ बताती है कि गोजिया विलेज में मेरी मॉम की सिमेट्री है, जी चौहान ने उसे हटाने का ऑर्डर दिया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जी शिंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे डैड ने बताया। जी शिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। जिसके बाद दोनों गोजिया विलेज जा रहे होते हैं। म्याओ म्याओ सैड होती है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए जी शिंग कहता है कि तुम्हारी मॉम ब्यूटीफुल होगी ना। म्याओ म्याओ कहती है कि मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब मैं छोटी थी तभी उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। फिर उसे अपनी मॉम की तस्वीर दिखाकर कहती है कि मेरे पास उनकी एक यही तस्वीर है जब वो मुझसे मिलने आई थी, पर 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तस्वीर देखकर जी शिंग को फ्लैशबैक याद आता है कि 6 साल पहले जिस कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे म्याओ म्याओ की मॉम ड्राइव करी थी।
फ्लैशबैक याद करने के बाद जीशिंग घबराने लगता है और गुस्से में म्याओ म्याओ को कार से निकल जाने का कहता है। म्याओ म्याओ कार से उतर जाती है। जीशिंग वहां से चला जाता है और शांत होने के बाद ड्राइवर से कहता है कि किसी को भेजो म्याओ म्याओ को पिक करने के लिए, जिसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके गोजिया प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्यों, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको डबल पे करना होगा, और क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जी चौहान को सबक सिखाने के लिए था। जीशिंग कहता है कि जी चौहान जिस जगह प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है वहाँ म्याओ म्याओ की मॉम की सिमेट्री है और अब मैं उसे इस ग्रेवयार्ड को छूने नहीं दे सकता। जीशिंग म्याओ म्याओ को डिवोर्स देना चाहता है। इस बात से म्याओ म्याओ परेशान होती है और जीशिंग को कॉल करती है, पर जीशिंग उसका कॉल अटेंड नहीं करता। वो बार बार उसे कॉल करती है तो जीशिंग उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो उसे मैसेज करती है कि क्या हुआ, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ ये पता चलता है कि आखिर क्यों जीशिंग उसे डिवोर्स देना चाहता है, क्योंकि जिस कार एक्सीडेंट में जीशिंग के मॉम डैड की डेथ हुई थी उसे म्याओ म्याओ की मॉम ड्राइव करी थी, और यही रीजन है कि वो अपने मॉम डैड की रिवेंज लेने के लिए लंगड़ा बनने का नाटक कर रहा है। जीशिंग मैसेज रीड करने के बाद कहता है कि म्याओ म्याओ मुझे अफसोस है कि वो तुम्हारी मॉम थी जिसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, अब हम दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे डर है कि जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा तो तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। युहांग म्याओ म्याओ के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि जीशिंग तुम्हें डिवोर्स देने जा रहा है, मैं उस कमीने को सबक सिखाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। म्याओ म्याओ कहती है कि रहने दो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो। युहांग उसे बताता है कि जीशिंग के पेरेंट्स के डेथ के बाद से ही वो लंगड़ा और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, वो हर वक्त सीरियस रहता है, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा उसे ही पसंद करते हैं। अगर उस रात मेंटल हॉस्पिटल से उस पागल लेडी को रिहा ना किया होता और वो अंकल आंटी को ना मारती तो आज जीशिंग ऐसा ना होता। ये सुनकर म्याओ म्याओ शॉक्ड होकर कहती है कि क्या जीशिंग के पेरेंट्स को किसी मेंटल पेशेंट ने मार डाला। युहांग कहता है कि हाँ, वो पागल लेडी जियांगचिंग मेंटल हॉस्पिटल से थी। ये सुनकर म्याओ म्याओ को शक होने लगता है कि शायद वो लेडी और कोई नहीं उसकी मॉम थी, और यही वजह थी कि जब उसने उसकी मॉम की तस्वीर देखी थी तो वो गुस्सा हो गया था, और उसके बाद से ही जीशिंग ने उससे डिवोर्स का कहा था। वो कन्फर्म करने के लिए डैड के पास जाती है जहाँ पहले से ही डैड और जी चौहान बातें कर रहे होते हैं। जी चौहान कहता है कि अब तुम मेरे ससुर हो तो लिंक ग्रुप में प्रेसिडेंट बनने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अगर नहीं तो तुम्हारे सारे राज फाश कर दूंगा। इसका मतलब ये कि डैड जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। म्याओ म्याओ को जब पता चलता है कि उसके डैड जी चौहान के साथ मिले हुए हैं तो वो शॉक्ड होती है, और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन किसी ने डैड को किडनैप करके म्याओ म्याओ को धमकाया कि वो जीशिंग के लैपटॉप से डेटा चुरा कर उसे ला कर दे। डैड के खातर म्याओ म्याओ ने ऐसा किया, और फिर उनकी बातों से उसे पता चल जाता है कि ये भी डैड का प्लान था। आज तक डैड उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये सदमा कम था कि उसे एक और बात पता चलती है कि 6 साल पहले जीशिंग के पेरेंट्स के एक्सीडेंट में उसके डैड का ही हाथ था, और उसी ने ही उसके मॉम को कार ड्राइव करने के लिए कहा था। उनकी बातें सुनकर म्याओ म्याओ कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर कहती है, तो वो आप और जी चौहान थे जिसने मेरी मॉम को मार डाला, आप शुरू से ही मुझे इस्तेमाल करते आ रहे हो। घर आने के बाद जीशिंग को देखकर वो रोने लगती है और सोचती है, तो यही वजह थी जो तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते हो। सॉरी जीशिंग, मैं जानती हूँ हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं सच का पता लगा कर रहूँगी कि 6 साल पहले आखिर क्या हुआ था। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी जिसके वो हकदार हैं। इसके बाद वो मास्क मैन मिस्टर मू यानी के जीशिंग को कॉल करके मिलने का कहती है। नेक्स्ट डे म्याओ म्याओ मिस्टर मू के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मिस्टर मू कहता है कि तुम तो जानती हो मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे श्या ग्रुप के जनरल मैनेजर की पोजीशन चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें पूरा श्या ग्रुप दे सकती हूँ, कैसा रहेगा ये। कुछ देर सोचने के बाद जीशिंग मान जाता है और फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं, जिसके बाद म्याओ म्याओ अपने घर जाती है। जिनशी कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो गया है। डैड शॉक्ड होते हैं तो म्याओ म्याओ कहती है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। डैड कहते हैं कि मुझे यकीन है तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। जिनशी कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी बहन ने एक लंगड़े से शादी की जो उसे प्यार भी नहीं करता। म्याओ म्याओ को गुस्सा आता है तो डैड उन्हें डिनर के लिए ले जाते हैं।
म्याऊ म्याऊ पूछती है कि डैड मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। ये सुनकर मिस्टर शिया शॉक्ड होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उसने अपनी कार चलाई और फिर उसका दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। म्याऊ म्याऊ कहती है कि मुझे यहाँ लाने के बाद आप मॉम से मिलने जाते थे। डैड कहता है कि नहीं, मैं किसी और को पैसे देता था उसका ख्याल रखने के लिए। म्याऊ म्याऊ कहती है कि उसके बाद से आप मॉम से कभी नहीं मिले। मिस्टर शिया कहता है कि नहीं, और म्याऊ म्याऊ आज तुम्हें क्या हो गया? म्याऊ म्याऊ कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे उनकी याद आ रही थी। फिर कहती है कि मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ और मैं शिया कंपनी में काम करना चाहती हूँ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मॉम म्याऊ म्याऊ की बात से एग्री नहीं करती, वो उसके अगेंस्ट होती है। तो मिस्टर शिया कहते हैं कि म्याऊ म्याऊ बॉटम से स्टार्ट कर सकती है। जिनशी सोचती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। म्याऊ म्याऊ कहती है कि मुझे याद है जब मेरी शादी लिंग फैमिली में हुई थी तो लिंग फैमिली ने शिया ग्रुप के 50% शेयर खरीद लिए थे, जिस वजह से हमारी फैमिली दिवालिया होने से बच गई थी। तो अब मैं शिया कंपनी की मैनेजर बनना चाहती हूँ। जिनशी गुस्सा होकर कहती है कि इम्पॉसिबल, अडॉप्टेड बेटी शिया ग्रुप को कैसे संभाल सकती है? डैड, मैनेजर की पोजीशन मेरी है। वैसे भी म्याऊ म्याऊ कर भी क्या सकती है? दोनों के बीच बहस स्टार्ट होती है तो डैड कहते हैं कि लड़ना बंद करो और कंपनी के बारे में सोचो। एच ही इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड है और उस ब्रांड को अपनी कंपनी में लाना होगा। जो भी उस कंपनी से डील करेगा वही नेक्स्ट मैनेजर होगा। एच ई का नाम सुनकर म्याऊ म्याऊ को याद आता है कि जब जी शिंग ने उससे डिवोर्स का कहा था तब उसने यही नाम लिया था। यूनिवर्सिटी आने के बाद म्याऊ म्याऊ को पता चलता है कि रात को ग्रेजुएशन पार्टी में जी शिंग भी आने वाला है और उन स्टूडेंट को प्रेजेंट देने वाला है जो लिंग मेडिकल टीम में है। उस टीम में म्याऊ म्याऊ भी है। म्याऊ म्याऊ सोचती है कि वो जी शिंग को कैसे फेस करेगी। सिया युहांग के पास आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, पर युहांग म्याऊ म्याऊ को देखकर उसके पास जाने लगता है। तो सिया उसे रोककर कहती है कि क्या तुम अब भी म्याऊ म्याऊ को पसंद करते हो? युहांग कह रहा है कि तुम्हें इससे क्या। सिया, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगी। तभी म्याऊ म्याऊ भी आ जाती है। सिया कहने लगती है कि इतने अरसे तक तुम यूनिवर्सिटी से बाहर रही और आते साथ ही लिंग मेडिकल टीम भी ज्वाइन कर ली, तुमने सोर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। म्याऊ म्याऊ उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तो युहांग कहता है कि म्याऊ म्याऊ इंटेलिजेंट है, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज ये अफवाह फैलाना बंद करो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सिया कहती है कि तुम्हारी वजह से युहांग मुझसे दूर है, मैं तुम्हें देख लूंगी। जिसके बाद वो म्याऊ म्याऊ के पास जाकर उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि युहांग से दूर रहो। लंगड़े जी शिंग से शादी की और युहांग के भी पीछे पड़ी हो, तुम ये कैसे कर लेती हो? म्याऊ म्याऊ भी उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है जो मैं जानती हूँ, युहांग तुमसे प्यार नहीं करता। ये कहकर वो जाने लगती है तो सिया उसे रोक कर फिर मारने लगती है। तो म्याऊ म्याऊ उसका हाथ पकड़ लेती है। सिया कहती है कि युहांग और जी शिंग कजन है, अगर युहांग की मॉम को पता चल गया कि तुम जी शिंग की वाइफ हो और फिर भी उसके बेटे के पीछे पड़ी हो तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जाने देगी? म्याऊ म्याऊ उसका हाथ छोड़कर कहती है कि देखते हैं फिर। ये कहते ही वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जी शिंग को बताता है कि युहांग और म्याऊ म्याऊ ग्रेजुएट पार्टी में गए हैं जो डू फैमिली के रिजॉर्ट में है और सिया डू फैमिली की बेटी है। ये सुनकर जी शिंग म्याऊ म्याऊ के पास जाने लगता है। सिया अपना गाल पकड़कर आ रही होती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे भड़काने लगती हैं और कहती हैं कि उसे कुछ करना होगा वरना युहांग उसके हाथ से निकल जाएगा। उनकी बातें सुनकर सिया म्याऊ म्याऊ से रिवेंज लेने का सोच लेती है और अपने दोस्तों के कान में अपना पूरा प्लान बताकर बड़ी खुश हुई होती है। जिसके बाद सिया की एक फ्रेंड म्याऊ म्याऊ के पास आती है और उसे झूठ कहती है कि प्रोफेसर ने कहा है कि लिंग मेडिकल टीम के इंचार्ज जी शिंग से मिलकर उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। म्याऊ म्याऊ उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ बैक स्टेज जारी होती है। सिया भी उनके पीछे पीछे जाती है और फिर उसे आइस रूम में लॉक करके कहती है कि अब मरो यहीं पर, ये इस होटल का आइस रूम है जहां बहुत कम लोग आते हैं, तुम्हारा बचना मुश्किल है। म्याऊ म्याऊ दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर सिया कूलिंग बढ़ा कर उसे मरने के लिए छोड़ कर चली जाती है। म्याऊ म्याऊ जी शिंग को कॉल करने लगती है पर वहाँ नेटवर्क नहीं होता, कूलिंग ज्यादा होने की वजह से वो कांपने लगती है। जी शिंग म्याऊ म्याऊ को ढूंढने लगता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो वो युहांग के पास जाता है और म्याऊ म्याऊ के बारे में पूछता है तो युहांग उसे बताता है कि वो तुमसे मिलने बैक स्टेज गई थी। ये सुनकर वो उसी तरफ जाने लगता है और असिस्टेंट को कॉल करके सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है।
फुटेज देखने के बाद असिस्टेंट उसे बताता है कि म्याओ म्याओ आइस रूम में है। ये सुनकर जी शिंग अपना मास्क पहनकर म्याओ म्याओ को बचाने जाता है। वहीं दूसरी तरफ म्याओ म्याओ ठंड से तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। तभी जी शिंग आता है और दरवाजा तोड़कर म्याओ म्याओ को उठाकर वहां से ले जाता है। जी शिंग उसे डू रिजॉर्ट ले आता है, पर काउंटर गर्ल उसे रूम नहीं देती। डू का मैनेजर उसे पहचान लेता है और बड़ी इज्जत से रूम की तरफ ले जा रहा होता है। तभी सिया आती है और कहती है कि बाहर निकालो इन्हें। शिंग असिस्टेंट से कहता है कि तुम ही इसे संभालो और तुम जानते हो कि क्या करना है। ये कहते ही वो म्याओ म्याओ को ले जाता है। सिया मैनेजर से कहती है कि किसने कहा तुम्हें इन्हें अंदर ले जाने को, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। मैनेजर कहता है कि अभी जो अंदर गए हैं वो मू ग्रुप के सीओ मू शिनान है और हम इन्हें नाराज नहीं कर सकते। सिया कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, उसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। वो उनके पास जाने लगती है, तभी उसका डैड आकर थप्पड़ मारकर उसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं और असिस्टेंट से सॉरी कहते हैं। असिस्टेंट कहता है कि मू ग्रुप ऐसे गुंडों के साथ और काम नहीं करेगी। इस सदमे से मिस्टर डू को अटैक आ जाता है। जी शिंग म्याओ म्याओ को रूम में ले आता है और उसे कम्फर्ट करने लगता है। म्याओ म्याओ को होश आता है तो वो अपने क्लोज जी शिंग को देखती है और उसे कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझे बचाने आओगे और मैं ये जान चुकी हूँ कि वो मेरी मॉम थी जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। तुम फिर भी मुझे बचाने आए, तुमने मुझे छोड़कर ठीक किया। जी शिंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। म्याओ म्याओ कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। जी शिंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। जब भी मुझे पता चलता है कि तुम युहांग के साथ हो तो मैं जेलिसी से पागल हो जाता हूँ। पास्ट में जो भी हुआ वो सब पास्ट की बातें हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेटी हो, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें खुद से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। जी शिंग उसे फाइल देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एच ई ब्रांड को अपनी कंपनी में लाना चाहती हो। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जी शिंग कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिन शी और जी चौहान दोनों ही एच ई के इंचार्ज के तलाश में हैं। म्याओ म्याओ पूछती है कि तुम्हारे पैर तो ठीक है तो तुम लंगड़ा होने का नाटक क्यों कर रहे हो। जी शिंग कहता है सॉरी म्याओ म्याओ, मुझे ये नाटक जी चौहान की वजह से करना पड़ा। म्याओ म्याओ कहती है कि मैं सब जानती हूँ और इसलिए श्या गुरु की मैनेजर बनकर सच का पता लगाना चाहती हूँ और उन्हें एक्सपोज करना चाहती हूँ। जी शिंग कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट डे जी चौहान और जिन शी एच ई कंपनी जाते हैं, तभी वहां जी शिंग और म्याओ म्याओ भी आते हैं। म्याओ म्याओ का लुक ही चेंज हो गया है। उसे ऐसे देखकर जिन शी जेलस होती है और कहती है कि ऐसा लगता है मेरी बहन ने एच ई कंपनी को खुश करने के लिए उनके ब्रांड का फेक मटेरियल पहना है, लेकिन फिर भी तुम किसी भूतनी से कम नहीं लग रही। म्याओ म्याओ कहती है कि लगता है मेरी बहन की आईज वीक हो गई है। जिनशी कहती है कि मैं शिया फैशन ग्रुप की सीईओ हूं और मुझे एच ई के बारे में कैसे पता नहीं होगा। उसे जेलस करने के लिए जी शिंग म्याओ म्याओ का हाथ चूमता है। जी चौहान कहता है कि तुम इन्हें इग्नोर करो, ये लंगड़ा है और लड़कियों को खुश करने के लिए ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करता है। कुछ देर में एच ई ब्रांड हमारा होने वाला है और ये सब तुम्हारा होगा। जी शिंग और म्याओ म्याओ हंसने लगते हैं, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है जहां लुहान एच ई ब्रांड की तरफ से आया है। लुहान जी शिंग का बेस्ट फ्रेंड है, वो मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। जी चौहान ने धोखे से लिंग गुरु को अपने नाम कर दिया था तो वो इस बात का फायदा उठाकर प्रोजेक्ट जिन शी को देना चाहता है। लुहान कहता है कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो भी विनर होगा वही एच ई ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। जिन शी खुश होती है कि विनर वो होगी, पर ऐसा नहीं होता। लुहान म्याओ म्याओ का नाम लेता है तो जिन शी और जी चौहान शॉक्ड होते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता। तो म्याओ म्याओ कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये अपॉइंटमेंट लेटर देख लो जो हेडक्वार्टर से आया है। जिन शी और जी चौहान उसे देखने लगते हैं तो म्याओ म्याओ कहती है कि जिन शी अगर तुम यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती हो तो रुक सकती हो, अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, ये एच ई कंपनी है शिया नहीं। ये सुनकर जिन शी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जी चौहान जी शिंग को धमकी देकर चला जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। एच ई ब्रांड से डील करने के बाद म्याओ म्याओ शिया कंपनी की भी मैनेजर बन चुकी है तो वो जिन शी के ऑफिस से सारा सामान निकालने का ऑर्डर देती है। ये देखकर जिन शी उन्हें रुकने का कहती है और म्याओ म्याओ को बाहर निकलने का कहती है। म्याओ म्याओ कहती है कि मेरी बहन गुस्सा मत करो, तुम हार गई हो, अगर फिर भी तुम ये एक्सेप्ट नहीं करती तो डैड के पास चली जाओ, वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। तभी डैड आता है तो जिन शी कहती है कि डैड म्याओ म्याओ मेरी जगह कैसे ले सकती है। डैड गुस्से से कहता है कि चुप रहो और निकल जाओ यहाँ से। जिन शी गुस्से से चली जाती है। डैड म्याओ म्याओ के पास आकर उसकी तारीफें करने लगता है उसे खुश करने के लिए, ताकि फ्यूचर में वो जो भी करना चाहे म्याओ म्याओ उसका साथ दे।
डैड उसे जी शिंग और मिस्टर मू को चैरिटी डिनर पर इनवाइट करने का कहते हैं। दूसरी तरफ जिन शी जी चौहान से कहती है कि तुम लिंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, मुझे HE कंपनी चाहिए, वो मेरा फेवरेट ब्रांड है। जी चौहान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बुढ़ा अभी तक मरा नहीं है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, हमें मिलकर काम करना होगा। HE ब्रांड वापस लेने के लिए बहुत से पैसे लगेंगे और तुम्हारे डैड के पास स्पेशल फंड है, तुम्हें उसका पता लगाना होगा, अगर हमें वो मिल गए तो HE हमारा होगा। जिसके बाद जिन शी आधी रात को ऑफिस आती है फंड्स के बारे में पता लगाने। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ एविडेंस ढूंढ रही होती है डैड और जी चौहान के बारे में ताकि वो उन्हें एक्सपोज कर पाए। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक क्लू मिल जाता है। वो जी शिंग को बताती है कि 6 साल से एक लू शियाशिन नाम के पर्सनल अकाउंट में बहुत से पैसे भेजे जा रहे हैं। जी शिंग उस अकाउंट का डिटेल असिस्टेंट को सेंड करता है पता लगाने के लिए और फिर म्याओ म्याओ के शोल्डर दबा कर कहता है कि मैडम बड़ी हार्ड वर्क कर रही है। लेट नाइट असिस्टेंट जी शिंग को कॉल करके बताता है कि मुझे लू शियाशिन अकाउंट के बारे में पता चल चुका है। असिस्टेंट से बात करने के बाद वो म्याओ म्याओ से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम अकेली रह सकती हो। म्याओ म्याओ कहती है ठीक है, फिर तुम्हें जल्दी आना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर शिया को पता चल जाता है कि किसी ने अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो ये कौन है और लू शियाशी को मार दो। जी शिंग उस बंदे को ढूंढने आते हैं जिसके नाम पर ये अकाउंट है। मिस्टर शिया के लोग भी उसके पीछे पड़े होते हैं उसे मारने के लिए। असिस्टेंट उसे देख लेता है और पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है पर वो उसके हाथ नहीं आता। सेक्रेटरी म्याओ म्याओ को बताती है कि बहुत बड़ा मसला हो गया है, हमारे प्रोडक्ट से लोगों को एलर्जी हो रही है। म्याओ म्याओ रिपोर्ट देखने के बाद कहती है कि पता लगाओ प्रॉब्लम कहाँ पर है और फिर हॉस्पिटल जाने लगती है। जिनशी बहुत खुश होती है और किसी को कॉल करके कहती है कि ये बात पूरे न्यूज़ पर फैला दो कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है और ये डिमांड करो कि म्याओ म्याओ के मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया जाए। जी शिंग म्याओ म्याओ को कॉल करता है पर म्याओ म्याओ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हुई है, उसका कॉल अटेंड नहीं करती। वो परेशान होता है, तभी उसे न्यूज़ से सब पता चल जाता है। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं अभी तो सोया हूँ, क्या कल बात नहीं कर सकते। जी शिंग कहता है कि इमरजेंसी है, अभी के अभी यहाँ आओ। असिस्टेंट आता है, जी शिंग कहता है कि मुझे अभी वापस जाना है। असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस वेदर देखो, बाहर तूफान है और कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। जी शिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, मैं करता हूँ। म्याओ म्याओ रीजन ढूंढने की कोशिश करती है। सारी रात ढूंढने के बाद आखिरकार उसे रीजन मिल जाता है, वो घर जाने लगती है। तभी बाहर एक अंकल नाइफ लेकर बॉस को बाहर आने का कहता है। म्याओ म्याओ उसके पास आती है और कहती है कि मैं बॉस हूँ, तो उसके गले पर नाइफ रखकर कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ 20 साल की है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स इसलिए यूज करती है कि वो ब्यूटीफुल बने, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका फेस खराब हो गया, अब उससे शादी कौन करेगा, मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगा। जिन शी ये सब देखकर खुश होती है और उसकी हेल्प करने के बजाय उस अंकल को भड़का रही होती है, तो म्याओ म्याओ उसे कहती है कि मुझे सच का पता चल चुका है और रिस्पॉन्सिबल लिंक ग्रुप है, ये लिंक के प्रेसिडेंट की वाइफ है, इसकी बातों पर मत आओ, वो तुम्हें ये कहने के लिए उकसा रही है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सुनकर वो जिन शी को कहता है तो वो तुम थी। जिन शी डर के कहती है कि नहीं वो मैं नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है। म्याओ म्याओ उसे कहती है कि क्या इसने तुमसे ये नहीं कहा कि वो लिंक के प्रेसिडेंट की वाइफ है और लिंक मेडिकल के पास तुम्हारी बेटी को ठीक करने का तरीका है। तभी ये पता चलता है कि जिन शी ने उसे अपने ऑफिस बुलाकर डील किया था कि वो म्याओ म्याओ को मारे, उसके बदले वो उसकी बेटी को ठीक कर देगी। सच जानकर वो जिन शी को मारने जाता है। जिन शी कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हूँ, ये है। डेली जी शिंग इसे लेने आता है। अंकल उसकी बात पर यकीन नहीं करता, वो उसे मारने उसके पीछे जाने लगता है। तभी जी शिंग आता है और कहता है कि मैं जी शिंग, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये सुनकर वो जी शिंग के पास जाता है और जैसे ही उसे मारता है तो उसका हाथ कट जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। म्याओ म्याओ जी शिंग के पास भागते हुए आती है और उसकी चोट देखकर परेशान हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।